तो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, और आज हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ठीक है, रैशनलाइजेशन हम लोग सीख रहे हैं। तो रैशनलाइजेशन में कल हम लोगों ने बेसिक सीख लिया था, आज हम उसका आगे का एडवांस लेवल करेंगे थोड़ा सा। और रैशनलाइजेशन को, हाँ बेटा बोलो। तो रैशनलाइजेशन में आज हम लोग सीखेंगे कि अगर नीचे दो रूट है तो कैसे रैशनलाइज करना है। ठीक है, जैसे रूट थ्री माइनस रूट टू, तो इसको कैसे रैशनलाइज किया जाता है। तो बेटा रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, रैशनलाइजेशन मतलब होता है कि नीचे से हमें रूट ख़त्म करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर नीचे जो डबल रूट में वैल्यू है उनके बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो हमें मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव साइन वाली वैल्यू से। ठीक है, मतलब वैल्यू सेम रहेगी बट उनमें जो बीच में साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था किसी नंबर में अगर हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से डिवाइड कर दें तो उस नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर नीचे रूट थ्री प्लस टू रूट टू, एंड नीचे भी लिखा हुआ है रूट थ्री प्लस रूट टू, तो दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यही फॉर्म दोबारा आ जाएगी। बट हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम नीचे से ये रूट ख़त्म करना चाहते थे। अब हमने यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों लिया, इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। वो रीज़न ये है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी का, और विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अभी हमने यहाँ पे नीचे, इसीलिए यहाँ पे अगर प्लस का साइन था तो हमने माइनस का साइन था तो प्लस के साइन वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है ताकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमारे पास हो गया ए और पूरी वैल्यू जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, एंड नीचे की तरफ हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो आपको पता है बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है एंड 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है, तो मतलब ए माइनस बी आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल के आया वो ये आया कि ऊपर वाली वैल्यू तो हमारी एज इट इज़ रही बट जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारी बन गई फॉर्मूले के रूप में। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आगे वाली वैल्यू ए माइनस पीछे वाली वैल्यू बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ तो हमारा एज इट इज़ चलता रहेगा ए मल्टीप्लाई रूट थ्री प्लस रूट टू, एंड अपॉन में जो है वो हो जाएगा हमारा थ्री माइनस टू, और ये आ गया हमारा नीचे की तरफ वन। तो वन को लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में अगर वन है आप चाहो तो उसे लिख सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो उसे मत लिखो। ठीक है, अब कल एक चीज़ थी निकल के आई थी कि सर हम डायरेक्टली a इंटू रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट टू भी लिख सकते हैं। मैंने बोला था हाँ लिख सकते हैं बट उसके लिए एक केस होता है, वो क्या होता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कब हम, देखो आपने यहाँ पे नोटिस किया नीचे रूट थ्री माइनस रूट टू था तो ऊपर जब हमने पूरा सॉल्व किया तो a इंटू रूट थ्री प्लस रूट टू आया। तो हम कब इस रिज़ल्ट से इस रिज़ल्ट पे पहुँचते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है, अब उसको ध्यान से सुन लेना। जब हमारा डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है, आपके डिनोमिनेटर में अगर कोई भी वैल्यू है, अगर उन दोनों वैल्यू का स्क्वायर करने पर और उन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर वो वन के इक्वल आ जाए, उनका स्क्वायर करने पे और उन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे अगर वो वन के इक्वल आ जाती है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई रूट सिक्स प्लस रूट फाइव। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये रैशनलाइज करने का डायरेक्ट तरीका भी होता है कि हमें पूरी वैल्यू को ऐसे सॉल्व नहीं करके, अगर उन दोनों वैल्यू का स्क्वायर करने पे और माइनस करने पे वो वन के इक्वल आ जाती है तो हम डायरेक्ट भी उनका रैशनलाइज लिख सकते हैं।
ठीक है। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप इनका स्क्वायर करोगे नीचे की तरफ और स्क्वायर करने पे उनको सब्ट्रैक्ट करने पे वो वन आ जाएगा, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव में है तो वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगी। देखो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फॉर्म में आ गई, और अगर वो पॉजिटिव होती है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको रेशलाइज आपको दिख रहा है कि नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने पे वन आ रहा है, तो आप डायरेक्टली उनमें अगर पॉजिटिव साइन है तो ऊपर की तरफ नेगेटिव ले सकते हो, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले सकते हो। बट ये इसी केस में होगा जब इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे वो वन के इक्वल आती है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया सब सबने ये? यस सर। आपने भी कर लिया आयुष? ओके बेटा, अभी हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे रूट्स का। ठीक है, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। देखो बेटा, रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं जिसमें मैं आपको रूट का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ये क्वेश्चन है। और इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल बेसिक तरीका। सबसे पहले जो भी वैल्यू है उसकी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू थी आगे उसकी उस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसे लगा दो, और अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी साइन है उसको हमने यहाँ यूज़ करना है। नाउ जो सेकेंड वाली वैल्यू है अब इसकी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेकेंड वाली वैल्यू की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, इस पूरे के साथ। ठीक है, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू की फिर सेकेंड वाली वैल्यू की। अब उसके बाद हम नॉर्मल मल्टीप्लाई, देखो अब ये नॉर्मल मल्टीप्लाई बन गया आपका रूट थ्री की, पहले इसके साथ रूट थ्री इंटू रूट फाइव प्लस फिर रूट थ्री की सेकेंड वाले के साथ रूट थ्री इंटू रूट टू। ठीक है, पहले इसकी फर्स्ट वाले के साथ, इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट वाले के साथ भी एंड सेकेंड वाले के साथ भी। अब यहाँ पे साइन जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, जैसे प्लस प्लस प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस आ जाता। ठीक है, नाउ इसकी भी करेंगे रूट टू मल्टीप्लाई रूट फाइव, फिर प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस, रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू। ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा, देखो दोनों के अंदर रूट है, मतलब दोनों में सिमिलर रूट है, वो भी स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे सपोज इस तरीके से होता क्यूब रूट और इधर होता स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का पता कैसे चलता है? क्यूब रूट में यहाँ पे थ्री लिखा होगा, स्क्वायर रूट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, और हो सकता है टू भी लिखा हो। ठीक है, तो ये क्यूब रूट का सिंबल, ये स्क्वायर रूट का सिंबल, यहाँ पे टू हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज ही रहेगी, मतलब उनकी मल्टीप्लाई नहीं होती आपस में अंदर की तरफ। बट यहाँ पे अगर दोनों में सिमिलर रूट्स होते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाती है, मतलब थ्री की मल्टीप्लाई फाइव से हो जाएगी तो ये हो जाएगा रूट फिफ्टीन, ऐसी प्लस टू की मल्टीप्लाई थ्री से हो जाएगी तो ये हो जाएगा रूट सिक्स, प्लस टू की मल्टीप्लाई फाइव से रूट टेन, एंड रूट टू की मल्टीप्लाई रूट से करेंगे, रूट टू से करेंगे तो टू आएगा। मैंने कल भी आपको बताया था रूट टू का मतलब होता है पावर वन बाई टू। ठीक है, तो रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू मतलब हो गया टू की पावर वन बाई टू मल्टीप्लाई टू की पावर वन बाई टू। जब बेस सिमिलर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो टू की पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू तो ये हो जाएगी टू की पावर वन। ठीक है, तो इसलिए टू की पावर वन इतना सारा ना करके हम डायरेक्टली रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, जब अंदर की वैल्यू सेम है तो उसका रूट खत्म हो जाता है। अब हमने यहाँ पे नोटिस किया, हम देख पा रहे हैं यहाँ रूट फिफ्टीन, यहाँ रूट सिक्स, रूट टेन एंड रूट टू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो भी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा किसी भी वैल्यू का, तो स्क्वायर रूट निकलेगा बट पॉइंट में निकलेगा, मतलब होल नंबर में स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कोई भी वैल्यू सिमिलर नहीं है तो वो ऐड नहीं होगी, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो रूट फिफ्टीन प्लस रूट टेन प्लस रूट सिक्स प्लस टू ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चा बाटी, अभी हम लोग सीखेंगे हम कैसे इनको
ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई सीखा, ना हम लोग ऐड सीख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है रूट थ्री प्लस यहाँ पे लिखा है टू रूट थ्री एंड इधर लिखा है रूट फाइव। तो हमने देखा कि रूट के अंदर की तरफ इधर और इधर सेम वैल्यू है, तो इसके आगे कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर वन है, मतलब जिसके आगे कुछ नहीं दिख रहा तो वहाँ पे आप वन अज्यूम कर लीजिए। फिर जैसे आप नॉर्मली एक्स प्लस टू एक्स को ऐड करते हो तो यहाँ पे थ्री एक्स लिखते हो ना, तो इधर भी ऐसे ही करना है कि वन प्लस टू को हम ऐड करेंगे तो थ्री रूट थ्री लिखेंगे। एंड रूट फाइव रूट थ्री से डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे रूट थ्री है एंड यहाँ पे रूट फाइव है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट है जैसे एक जगह एक्स लिखा है और एक जगह लिखा है वाई। तो एक्स प्लस वाई कभी ऐड नहीं होते, तो सिमिलरली रूट थ्री और रूट फाइव भी ऐड नहीं होंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों को क्लियर हुआ ये? इसको साथ साथ Yes. नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है बेटा? हम मल्टीप्लाई किसी भी रूट की वैल्यू किसी के साथ भी कर सकते हैं, बट हम लोग जो है मल्टीप्लाई के अलावा प्लस और माइनस सिमिलर रूट को करते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई किसी को भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो अभी यहाँ जैसे एक जगह लिखा है, आप देखना कैसे क्वेश्चन होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। एट और यहाँ पे लिखा है रूट टू और ऐसे इधर लिखा हुआ है रूट 25, ठीक है? यह रूट इधर हमने लिख दिया अंदर की तरफ 50। तो आपको इस रूट को पहले सॉल्व करना भी आना चाहिए। रूट को सॉल्व करने का बहुत ही बेसिक तरीका होता है कि जो भी अंदर की तरफ वैल्यू है आप उसको फैक्टराइज कर दीजिए, ठीक है? उसके आप फैक्टर कर दीजिए प्राइम फैक्टर्स। तो 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ मैं इसे, ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्ड है। और 50 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5, 5 × 5 = 25 एंड × 2। इसके हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए सारी वैल्यूज़ के। अब कैसे ये रूट से बाहर आती है, देखिए रूट के अंदर अगर पेयर बनता है तो उसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा एंड जो वैल्यू बची वो अंदर एज इट इज, ठीक है? हाँ, 2 √2। ऐसे ही रूट के अंदर पेयर जो बन रहा है उसमें से एक पेयर बाहर और जो अंदर वैल्यू पेयर में नहीं है वो एज इट इज, ठीक है? तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि देखो बेटा यहाँ भी 2 √2, यहाँ 1 कुछ नहीं है तो 1 √2 और यहाँ पे 5 √2, तो 2 + 1 = 3 + 5 = 8। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 √2। समझ में आया बेटा? तो इस टाइप से हमें वैल्यूज़ को पहले उनका रूट ख़त्म करना है और उनको ऐड करना है। फिर आप यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस कर सकते हैं एंड माइनस है तो अगर माइनस कर सकते हैं, ठीक है? अभी हम लोग जो है अब एनसीईआरटी के अपने क्वेश्चंस करते हैं। अब एक्सरसाइज निकालिए आप एनसीईआरटी में। क्लास नाइन्थ बुक एनसीईआरटी नंबर सिस्टम एंड इसकी एक्सरसाइज है आपकी 1.5। एक्सरसाइज निकालनी है आपको 1.5, ठीक है? अभी हम 1.5 के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 1.5, ठीक है? एक्सरसाइज 1.5 के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब जो भी नंबर्स हमें दिए हैं वो बताना हमें कि वो रेशनल है या इरेशनल है। सबसे पहला क्वेश्चन 2 − √5। देखो बेटा यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि 2 तो रेशनल है, आर फॉर रेशनल, बट ये √5 इरेशनल है ना? और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये जस्ट लाइक ये एक्स है ये वाई है ना, तो x − y रहेगा। बट यहाँ पर हम कैसे बताएंगे कि ये रेशनल और इरेशनल है?
तो मैं आपको बता दूं बेटा, रेशनल के साथ जब भी इरेशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो हमेशा जो आंसर होता है वो इरेशनल ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब रेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट हुआ तो जो आंसर है वो है इरेशनल। तो मतलब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? इरेशनल। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड वाला हम यहाँ पे देख पाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 + √23 -√23। अच्छा ठीक है बेटा, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दी, 3 + √23 -√23। तो +23 -23 कैंसिल आउट हुआ है, बचा 3, और 3 क्या होता है? हमारा रेशनल होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 2√7 एंड अपॉन 7√7। श्रद्धा बेटा, इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या आएगा? रैशनल। अरे अच्छा, रैशनल। हाँ, क्या आएगा बेटा, रैशनल या इरेशनल? रैशनल। आयुष, क्या आएगा इसका आंसर? रैशनल। रैशनल नंबर, क्योंकि √7 से √7 कैंसिल हो गया, बचा 2/3, एंड 2 भी होल नंबर है, 3 भी, एंड होल नंबर का जो फ्रैक्शन होता है वो भी हमेशा क्या होता है? रैशनल ही होता है। ठीक है, फ्रैक्शन चाहे होल नंबर का हो या किसी का भी हो, इंटीजर कोई भी, व्हाटएवर, वो हमेशा रैशनल ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में लिखे ही रैशनल नंबर्स जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से कर लेना। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ जो है वो 2π, पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो पाई हमारा क्या है? ये इरेशनल नंबर है। ठीक है ना बेटा, पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अब देखो, ये पाई इरेशनल नंबर कैसे है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। पाई की हिस्ट्री हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पाई की हिस्ट्री, ये इरेशनल क्यों है? ठीक है, ये वाई पाई इज इरेशनल, थोड़ा सा हम इसका इतिहास छान लेते हैं आज। ठीक है, तो बेटा हम लोग थोड़ा सा इसका इतिहास छानने के लिए पुराने समय में जाते हैं, और मैं यहाँ पे आपके सामने ना कुछ शेप्स बना रहा हूँ। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री को हम लोग इससे थोड़ा डिस्कस कर पाएंगे, और इससे बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगी कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है। ठीक है ना, तो ये हमारे सामने कुछ शेप्स हैं। ये एक्चुअली जो शेप्स हैं ना, ये हमारे पुराने टाइम के व्हील्स हुआ करते थे, मतलब पहिए। ठीक है, ये पहिए हुआ करते थे। तो क्या हुआ, जब आदि मानव या फिर हमारे जो पूर्वज था, उनका टाइम था, तो उस टाइम पे उनको सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक उन्होंने डिवाइस बनाया था, जिसको हम आज के टाइम पे कार्ट भी बोलते हैं, कुछ ऐसा डिवाइस होता था। ठीक है, और इस डिवाइस में वो यहाँ पर इस सेक्शन में सामान रखते थे, एंड नीचे की तरफ इसका पहिया होता था। ठीक है, आजकल तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक डिवाइस जिसमें जो ट्रैवल करती है या फिर ऑटोमेट मोबाइल्स होते हैं, उसमें जो पहिया है वो गोल है, बट स्टार्टिंग में जो पहिया था वो गोल नहीं था, वो ऐसे डिवाइसेस में लेके जाते थे चीज़ों को, बट उसका जो पहिया था ना वो ऐसे भी होता था कभी कभी। ठीक है, और यहाँ से वो हैंडल होता था पकड़ने वाला, और इधर से वो कैरी करके ले जाते थे। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, पहले तो वो सब जो भी सामान था वो अपने आदि मानव लोग जो है अपने बॉडी पे या फिर अपने सर के ऊपर कैरी करके ले जाते थे, बट फिर धीरे धीरे जब उनके ब्रेन सेल्स डेवलप हुए, जब उनका ब्रेन थोड़ा डेवलप हुआ, तो उन्होंने सोचा कि यार सर पे हम कैरी करते तो उससे पूरी बॉडी में भी बहुत जोर पड़ता है, एंड इतना सामान एक बार में जाता भी नहीं, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा डिवाइस बनाए कि उसमें हम सामान इजिली कैरी कर सके। तो उन्होंने ऐसा ही डिवाइस बना दिया जिसको उन्होंने कार्ट बोला, और उसमें वो अपना सामान, काफ़ी ज़्यादा सामान कैरी कर सकते थे एज़ कम्पेयर टू पहले अपनी बॉडी पे ले जाने के। तो ये जो डिवाइस जो उन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने ना नीचे की तरफ पहिए लगाए, तो पहिए उस समय पे उनको नहीं पता था, क्योंकि हर एक चीज़ आपको पता है, इन इन्वेंशन, सॉरी कुछ एक डायलॉग था अभी मुझे याद नहीं आ रहा,
हाँ, नेसेसिटी इज़ ए मदर ऑफ इन्वेंशन, तो मतलब ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। तो ऐसा ही उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया कि जब इस पे पहिए लगाए तो वो जो पहिए होते थे पहले, वो कभी स्क्वायर शेप में होते थे, कभी रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। तो ये जो भी कार्ट वो लेके जाते थे बहुत हिचकोले खाती थी, और इसको ना थोड़ा सा पुल करने के लिए भी काफ़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर पहिया जो है रेक्टेंगुलर होगा तो ये हिचकोले तो खाएगी खाएगी, और इसको खींचने में भी बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि यार अब पहिए को जो है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर ना बना के थोड़ी इसकी ऐसी शेप बनाए कि इसका जो सरफेस है वो स्मूद हो, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगुलर सरफेस होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा यूज़ होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर इसको गोल बनाना स्टार्ट किया। अब जब वो गोल बनाते थे तो उनके पास कोई डिवाइस थी नहीं उस टाइम पे, ठीक है। अब वो इसको गोल बनाने जब लगे तो उनके पास कोई डिवाइस नहीं थी, तो कभी ये गोल बनता था तो कभी ये ओवल बनता था, कभी ऐसा बनता था, तो मतलब एग्जैक्ट गोल नहीं बनता था। अब उन्होंने क्या सोचा कि इसको एग्जैक्टली गोल कैसे बनाया जाए। तो फिर जब ह्यूमन डेवलप होते गए, बहुत सारे इन्वेंशन होते गए, फिर बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, तो उनमें से ही एक साइंटिस्ट थे हमारे पाइथागोरस, और उनकी टीम थी, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने क्या बोला कि इस पहिए को अगर हमें गोल बनाना है, एग्जैक्टली गोल बनाना है, तो इस पहिए में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या रिलेशन होता है वो? वो रिलेशन होता है उसके सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या रिलेशन है, अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे सरकमफ्रेंस और डायमीटर का एक रिलेशन, जैसे ये होता है डायमीटर, ठीक है, एंड ये यहाँ से आप चलना स्टार्ट करोगे, मतलब इसके जो ये वाला आउटर एरिया है, ये आउटर मतलब आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो डायमीटर और सरकमफ्रेंस में क्या रिलेशन है कि जितना भी डायमीटर होगा जैसे सपोज डायमीटर हो गया 7, तो जो सरकमफ्रेंस है उसका 22/7 टाइम्स होगा डायमीटर का, ठीक है। तो उन्होंने क्या रिलेशन निकाला कि जो भी हमारा मतलब जितना बड़ा हमको पहिया बनाना है, जो भी उसका डायमीटर होगा, जैसे तो अगर मुझे अब पहिया बनाना है तो अब मैं बहुत इजीली पहिया बना सकता हूँ। कैसे? मैं एक सीधी लाइन खींचूँगा जितना बड़ा मुझे पहिया चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने ये पहिया बना लिया 14 सेंटीमीटर का, या 14 सेंटीमीटर का मैंने ये पहिया बनाया, तो मुझे अगर अब इसको गोल बनाना है तो मुझे इसका डायमीटर कितना, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना बनाना पड़ेगा, 22/7 इंटू पाई, मतलब इंटू इंटू डायमीटर। तो मुझे इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 44 बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको कितना बनाऊंगा, 44। तो जैसे ही मैं इसको 44 बनाऊंगा तो इसका मतलब हमारी जो एग्जैक्टली शेप है वो आ जाएगी, ठीक है। तो मुझे अगर इसको बनाना है तो मुझे ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कितना बनाना पड़ेगा, 22 सेंटीमीटर, ठीक। अभी यहाँ पे मेरे पे मैं इसको गोल नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास पेंसिल जो है वो गोल नहीं हो पाई। तो बट एक पॉइंट हमारे पास निकल के आ गया कि जितना भी मुझे सरकमफ्रेंस बनाना है, जितना भी मुझे पहिया चौड़ा बनाना है, मुझे उसका जो भी डायमीटर है उसका 22/7 टाइम्स करना है, ठीक है। 22/7 टाइम्स करना है मुझे, जो भी मेरे पास जितना भी बड़ा मुझे पहिया बनाना है तो उसका डायमीटर, जैसे मुझे वो अगर 14 सेंटीमीटर रखना है तो मुझे उसका सरकमफ्रेंस कितना बनाना होगा, 14 × 22/7, इससे मैंने काटा तो ये हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर। तो अब कोई भी साइंटिस्ट बहुत इजीली पहिया बना सकता है, ठीक है, अब उसको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अब एक प्रॉब्लम ये निकल के आई कि ये जो पाई है, ये पाई एक्चुअल में था क्या, ये पाई था सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो, ये पाई एक्चुअल में सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो था। अब ये हमने यहाँ पे तो नोटिस किया कि भाई देखो सरकमफ्रेंस और डायमीटर की एक फिक्स वैल्यू है, कि डायमीटर जो भी है सरकमफ्रेंस उसका 22/7 टाइम्स है। तो इस तरीके से हमारा अगर डायमीटर 7 है तो सरकमफ्रेंस 22 हो जाएगा, डायमीटर 14 तो सरकमफ्रेंस 44 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो दोनों वैल्यू फिक्स है, रेशियो में भी है, बट पाई जो है वो ये एक इरेशनल नंबर क्यों हो गया। हमने देखा पाई की वैल्यू 22/7 है ना,
आप यही बोलते हो जब भी मैं बोलता हूँ पाई की वैल्यू लिखो, तो आप लिख देते हो 22/7 फटाक से। तो हमने ये पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 है, बट पाई फिर इरेशनल क्यों है? क्योंकि फ्रैक्शन में तो हम केवल रेशनल नंबर्स को ही लिख सकते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब फ्रैक्शन में पाई लिखा जा सकता है तो पाई एक्चुअल में इरेशनल क्यों हुआ? देखो बेटा, इसका एक रीज़न है पाई इरेशनल क्यों हुआ, कि जब हम पहियाँ बनाते हैं ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी उसका डायमीटर होता है, अगर हम उसको मेज़र करें, जैसे सपोज़ वो 14 सेंटीमीटर है, तो जो उसका सर्कमफ्रेंस है ना, वो एग्जैक्टली 22 नहीं होता, वो एग्जैक्टली 22 नहीं होता, वो 22 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकता है, या 21 पॉइंट डैश 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 डैश, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मतलब उसका पैटर्न चेंज होता रहेगा, मतलब वो एक एक इरेशनल नंबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है ना, वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सरकमफ्रेंस इरेशनल हुआ और डायमीटर हो गया रेशनल, ठीक। और इरेशनल को जब रेशनल से हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया वो आया इरेशनल। तो इसी वजह से जो पाई है वो हमारा इरेशनल होता है, क्योंकि सरकमफ्रेंस वो एग्जैक्टली 22 नहीं होता, वो 22 या 21 पॉइंट समथिंग डैश 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 चलता रहता है, वो मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो मतलब एक तरीके से हम ये समझे कि यहाँ से यहाँ तक जो भी पाई की वैल्यू रहेगी, जो भी सॉरी डायमीटर की वैल्यू रहेगी, ज़रूरी नहीं है कि सरकमफ्रेंस की 22 ही रहेगी, वो 22/7 टाइम्स होता है, ठीक है? बट वो एक इरेशनल नंबर होता है, इसी वजह से इरेशनल अपॉन रेशनल पाई भी एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है। यही पाई की हिस्ट्री है कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ऑल दो पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं। यहाँ पे ये 22 है इसका सरकमफ्रेंस एंड 7 है इसका डायमीटर। अब बताओ मुझे, समझ में आई पाई की स्टोरी? yes. आयुष, आपको समझ में आया बेटा पाई की कहानी, पाई की yes, दर्द भरी कहानी? ठीक है, तो ये पाई की स्टोरी थी। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हम अपने क्वेश्चंस थोड़े देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, और आई होप आप सेकेंड क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली कर पाओगे, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल अभी मैंने आपको समझाया था, है ना? तो बिफोर सेकेंड क्वेश्चन, हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, उनको हम थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूलाज जो हमारे हैं वो है हमारे पास सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही हमारे पास एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और वो इक्वल्स टू होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और ये जितने भी फार्मूलेज हैं ये एक दूसरे के इक्वल है, डेट मीन्स कि अगर मेरे पास कहीं इधर वाली फॉर्म है तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और अगर मेरे पास ये वाली फॉर्म है तो उससे मैं ये फॉर्म निकाल सकता हूँ, ठीक है बेटा? तो ये आपस में इक्वल है ना, तो आप किसी का भी यूज़ करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट तो आप कर ही लोगे। सेकंड में बोला है 3+√3 एंड मल्टीप्लाई 3-√3। तो हमें मैच करना है ये हमारे कौन से वाले, इसका जो फेस है या फिर इसका जो हुलिया है हमारे किस फॉर्मूले से ज़्यादा मैच करता है। तो आप देख पाओगे इसका हुलिया जो है हमारे थर्ड वाले फार्मूले से ज़्यादा मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसकी जगह ये अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। तो बेटा ये ए हो जाएगा, ये बी। बस आपको देखना क्या है कि दोनों जगह ए बी सेम होने चाहिए, है ना, तभी ये हुलिया मैच करेगा। जैसे यहाँ पे ए बी सेम है ना, तो यहाँ भी ए बी सेम होने चाहिए। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, जो भी आप क्वेश्चन करते हो ना बिफोर उसको सॉल्व करने से पहले आप उसको फार्मूला कौन सा है वो लिख दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इक्वल्स टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो ये हमारा a, तो a मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b मतलब √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया हमारा कितना, 9, एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 9 में से 3 क्या बचा, 6। तो आंसर है हमारा 6। तो यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको कर लेना, ठीक है?
फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसके सारे पार्ट्स आप लोग खुद से करना, ठीक है ना। देखो पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, वही कहानी जो मैंने अभी आपको पूरी समझाई, ठीक है। तो इसको कहानी को पूरा समझाने के लिए मैंने ये पूरा आपको डायग्राम बना के बताया था, इसका जो भी हम पढ़ रहे हैं ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से करना है, ये एक तरीके से आपका होमवर्क है, एक्चुअल होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। पूरी स्टोरी मैंने उसमें बताई है, उसमें आप जो है उसको देख के इसका आंसर मुझे करके भेजोगे, मैं देखूंगा आपने कैसे किया, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हम कल करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है, वो हम सीखेंगे कल कैसे रूट वाली वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। बट आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम जब बिल्कुल लेक्चर स्टार्ट हुआ था उसी टाइम हम लोगों ने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि हाउ टू रेशनलाइज, तो ये आपको सारे के सारी वैल्यूज़ रेशनलाइज करनी है, ठीक है। इसके मैं एक वैल्यू करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 इसका मैं करके दिखा देता हूँ। उसमें बोला है 1/√5 + √7 √2, इसको रेशनलाइज करना है। तो बिफोर रेशनलाइजिंग हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि क्या इन दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करने पे ये 1 के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जब मैंने इन दोनों का स्क्वायर किया एंड उसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये 3 के इक्वल आए, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आए, 3 के इक्वल। तो अब इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए जो भी वैल्यू हमारे पास है उनके बीच का साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर की तरफ आ गया √5 - √2 और नीचे फार्मूला बन गया a + b × a - b। तो ये फार्मूला होता है a + b × a - b = a² - b² के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √5² - √2² तो ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू है वो एज इट इज एंड नीचे की तरफ जो 5 है √5² वो 5 आ जाएगा एंड 2² आ जाएगा √2² 2। तो हमारे पास आंसर आ चुका है √5 - √2/3। तो यही हमारा आंसर है। तो रेशनलाइज वाले सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं, उसके बाद जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा एंड उसके बाद हम कल करेंगे एक्सरसाइज 1.6, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, नोट डाउन हो गया ये? यस सर। ओके, तो अभी हम लेक्चर ऑफ करते हैं अपना, वीडियो ऑफ करते हैं।